दोस्तों, अगर आपके सपनों में माता लक्ष्मी, श्री गणेश, माता सरस्वती दिखाई देती है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। कृपया आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हमारे जीवन में सपनों के कई मायने माने जाते हैं। इन्हीं सपनों को हमारे भविष्य से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि सपने एक तरह से जीवन के कई संकेत होते हैं, जो आने वाले अच्छे दिनों से लेकर भविष्य की विपदाओं तक के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम सपन शास्त्र की बात करें तो देवी लक्ष्मी को विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे में सपनों में महालक्ष्मी का दिखना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार किसी को सपनों में महालक्ष्मी के दर्शन होना धन लाभ का संकेत माना जाता है। यहाँ पर साफ साफ ये बताया जाता है कि माता लक्ष्मी जब सपनों में आ जाती है तो व्यक्ति की सभी परेशानी दूर हो जाती है। यही नहीं, अगर व्यापार करते हो तो उसमें भी ढेर सारा मुनाफा होने की ओर इशारा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि खासकर माता लक्ष्मी छोटे बच्चों के सपनों में ज्यादा दिखाई देती है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि बच्चों का हृदय कोमल और साफ होता है। यहाँ पर साफ साफ माता लक्ष्मी के आने का संकेत ये माना जाता है कि महालक्ष्मी जब सपनों में आ जाती है तो सीधे तौर पर व्यक्ति मालामाल हो जाता है। उसके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा अस्थाई रूप से होने का संकेत आपको मानना चाहिए। दोस्तों, वहीं सपनों में श्री गणेश, माता सरस्वती और महालक्ष्मी तीनों को एक साथ सपनों में देखने पर व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। इस तरह का सपना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सपनों में माता लक्ष्मी को आते हुए देखना धन का संकेत माना जाता है, सुख समृद्धि की ओर इशारा करता है। सपनों में माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू अगर दिखाई दे तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन उल्लू अगर घर से जाता हुआ दिखाई दे तो अशुभ संकेत मानना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को जाते हुए देखना भी अशुभ संकेत मानना चाहिए। इस तरह के सपने व्यक्ति की बर्बादी की ओर इशारा करते हैं। इसे व्यक्ति के बुरे दिन आने का संकेत कहा जाता है। और दोस्तों, वहीं सपनों में कमल के फूल को देखना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहर हो जाती है तो वो राजा बन जाता है। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी का साथ और चाहते हैं महालक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, माता लक्ष्मी तेरी सदा जय हो, हमारे घर जरूर पधारें। महालक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर ही करें।